अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शैरल्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कटलेट पनीर की, जो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो चाहिए हमें थोड़ा सा धनिया, दो हरी मिर्च, एक छोटी प्याज कटी हुई, एक आलू उबला हुआ मैश किया हुआ, क्वार्टर स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून मिर्च, क्वार्टर टी स्पून चाट मसाला, और यह है पनीर, लगभग 100 ग्राम होगा। ज़रा सा ये बेसन है और थोड़ी सी वहीं तोटी हुई। देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। अब हम पनीर में आलू को डाल लेंगे और मसाले डाल लेंगे, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे, सब तरफ मिला लेंगे, सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। अच्छे से हमें मिलाना है। अब ये मिल गया है। अब इसमें हमें टिक्की बना लेनी है, छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है इस तरह। देखिए इस तरह हमें टिक्की बनानी है और सारे बैटर की इसी तरह छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है। हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम बेसन में थोड़ा सा मिर्च, क्वार्टर टी स्पून, और क्वार्टर टी स्पून नमक डाल के पानी से घोल बना लेंगे। हमें पतला घोल बना लेना है। इस तरह फेंट लेना है, सारे लम्स ख़त्म हो जाएं और पतला घोल बनाना है। बस देखिए इस तरह ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब हम एक कप टिक्की को इस बैटर में, बेसन के बैटर में डुबो के फिर सिवाई में लपेटना है। अच्छी तरह से सब तरफ हमें कोट कर लेना है। देखिए इस तरह कोट करना है। इसी तरह सारी टिक्कियां हमें कोट करना है, सब तरफ लपेटना है। सारी टिक्कियां हमारी कोट हो गई हैं। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है कोट होकर। अब हम तेल चढ़ा देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक एक करके टिक्की डालेंगे। हमें इसको गोल्डन होने तक भूनना, तलना है, दोनों तरफ से गोल्डन हो जाने देना है। पलट देना है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो रही हैं।
आप इसको एक एक करके निकाल लेना है। अब बची हुई टिक्कियों को भी हमें इसी तरह तल लेना है। देखिए हमारी टिक्की तल गई है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। आप किसी भी चटनी, मन चाहे चटनी से आप इसको सर्व करें और ये बहुत ही क्रिस्पी है। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे मेरी वीडियोज़ इसी तरह आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।